अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब लोग? हम अल्लाह के करम से आप सब ठीक होंगे, हम भी यहाँ सब ठीक है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने शबीनाज देसी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश अचारी। उसके लिए मैंने फ़िश लिए और मुंडी भी साथ में ले ली है उसकी। और मैंने ये सूखे मसाले जो लिए हैं उसमें मैंने अजवाइन, कलौंजी और सौंफ लिए, वो ज़रूरी है इसमें डालना। सारे सूखे मसाले लिए, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी आधा चम्मच और गरम मसाला पाउडर लिया है, और ग्रीन चिली लिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट चिली पेस्ट का लिया है, हरा धनिया लिया है, आधा कप तेल लिया है, दही लिया है और गरम मसाले लिए, अखे खड़े गरम मसाले और मेथी दाना। और हमने प्याज, दो बड़ी प्याज लिए, उसको तेल में अकोर लिया था और टमाटर के साथ पीस लिया है। और साथ ही साथ हमने अपनी मच्छी भी अकोर ली थी तेल में, क्योंकि तेल में अकोरने से बिसान चली जाती है इसकी। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने तपेली पहले से ही गर्म करने रख दी थी और उसमें हम तेल डाल लेते हैं। तेल डालने के बाद सबसे पहले हम मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना डालने के बाद हम अपने खड़े गरम मसाले डाल देंगे जो हमने लिया है, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा वगैरह जो लिया है हमने वो डाल देते हैं। इसके डालने के बाद हम जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाल लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पेस्ट लिया है, चिली पेस्ट का हमने आधा चम्मच लिया है। आपको पेस्ट चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल लें। साथ ही साथ हम जो टमाटर का प्याज की प्यूरी तैयार की वो भी डाल लेते हैं। हम पहले से इसमें तेल में अकोर लेते हैं कि हमारा मसाला जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि बच्चों को कभी कभी जल्दी भूख लग जाती है, तो इसलिए एक चम्मच नमक भी डाल लें। हमने मच्छी को तेल में अकोरने के टाइम पे आधा चम्मच नमक भी डाला था, और थोड़ा धनिया, हरा धनिया डाल लें, और जो हमने सूखे मसाले लिए हैं वो भी डाल लें। उसमें मैंने सौंफ और कलौंजी भी लिए, वो ज़रूर डालें, उससे ही अचार का टेस्ट आएगा, फिश अचारी। और जब हमारा मसाला भुनने लगे तो हम दही डालेंगे। मसाला भुनने आया है, अब साथ ही साथ हम दही भी डाल लेते हैं। दही डालने के बाद अच्छे से मिला लें। दही जब अच्छे से, दही को भून लें अच्छे से हम मसाले के साथ, फिर उसके बाद हम इसमें मच्छी छोड़ेंगे। हमारा मसाला लगभग भुन चुका है और अच्छे से उसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हमने जो गर्म पानी करके रखा था गुनगुना करके, वो हम डाल लेते हैं। अब अपने हिसाब से डालिए। मैंने आधा गिलास पानी लिया है और उसको गुनगुना करके रखा था। अब इसमें एक जोश आ जाएगा तो हम मच्छी डाल देंगे। मच्छी आपको मालूम है, एक जोश लेने के बाद जब डालो तो अच्छे से पक जाती है, मच्छी को ज़्यादा पकाना ना पड़ता है। हमारे सालन में जोश आ गया है, अब इसमें हम मच्छी छोड़ देते हैं। मच्छी छोड़ने के बाद उसको एक जोश ले लें, फिर बंद कर दें, क्योंकि मच्छी जल्दी गल जाती है। इसे ढक्कन ढक के रख दें। आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।